प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच चुके हैं। यहां आने के साथ ही प्रधानमंत्री ने देश को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से देश को दिया गया यह खास तोहफा अपने आप में बेहद ही अनोखा है, क्योंकि फिलीपींस के बाद एशिया में यह पहला चावल अनुसंधान केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आज देश को एक बड़ी सौगात दी है। ये सौगात अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज यहाँ पर इस अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो साउथ एशिया का पहला चावल अनुसंधान केंद्र है। निश्चित तौर पर यहाँ पर चावल की अलग अलग प्रजातियों पर शोध होगा, किसानों की आय को दुगना करने पर जो काम है वो किया जाएगा। और प्रधानमंत्री की तरफ से ये तोहफा आज काशी ही नहीं बल्कि पूरे देश को दिया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री अब यहाँ से अगले कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। और जो हस्तकला संकुल है वहाँ पर प्रधानमंत्री हस्तशिल्पियों और बुनकरों से मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करने के साथ ही वहाँ पर जो उनके द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत लगाई गई स्टॉल है उसका भी निरीक्षण करेंगे। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।